जैन बच्चों, इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 7 और ये चैप्टर 7 है ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखा जाए। देखिए, दिया है आकृति 7.1। ये जो आकृति देख रहे हैं सामने, यही है आकृति 7.1 में एसी इज इक्वल टू एई। एसी इज इक्वल टू एई, देखिए एसी, यह एसी है और यह एई है, तो एसी और एई दोनों इक्वल हैं। और फिर दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी इज इक्वल टू ए डी, फिगर में देखिए ये ए बी है और ये ए डी है, तो ए बी ए डी के इक्वल है और यह ए सी ए के इक्वल है। और फिर दिया हुआ है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, देखिए फिगर में एंगल बी ए डी, ये है एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी, देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम हैं, इक्वल हैं, तो दर्शाइए बी सी इज इक्वल टू डी ई। बी सी इज इक्वल टू डी ई, जरा देखिएगा फिगर में, ये है बी सी और ये है डी ई। हमको दिखाना है कि बी सी और डी ई दोनों इक्वल होंगे, तो अब सबसे पहले प्रश्न में जो दिया होता है उसको अपने लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लिया जाएगा, दिया है, दिया है ए सी इज इक्वल टू ए ई तथा ए बी इज इक्वल टू ए डी एवं, यहाँ लिख देंगे एवं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो अब हम लोग यहाँ से प्रूफ करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेंगे प्रूफ, या जिसको हम लोग लिख सकते हैं सत्यापन। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये दिया हुआ है। देखिए बी ए डी ये एंगल और ये एंगल ई ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल है। हम एक काम करते हैं, ये बीच वाला जो एंगल बचा है ना, तो बीच वाला एंगल है सी ए डी, सी ए डी को हम इन दोनों में जोड़ लें। दोनों में जोड़ते हैं तो देखें कुछ मान मिलेगा हम लोगों को। ये जो बीच वाला एंगल है इस दोनों साइड में जोड़ते हैं तो लिखा जाएगा दोनों पक्षों में एंगल सी ए डी जोड़ने पर देखिए क्या मिल रहा है। तो अब हम जोड़ रहे हैं दोनों पक्षों में, तो ये है एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल हो जाएगा सी ए डी। अब जरा देखिए आप फिगर में एंगल बी ए डी, ये देखिए एंगल बी ए डी प्लस सी ए डी, ये हो जाएगा पूरा एंगल इतना,
ये हो जाएगा एंगल बी ए सी। देखिए एंगल बी ए सी प्लस सी ए डी, ये एंगल और ये एंगल जब दोनों को जोड़ लेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा बी ए सी। यहाँ लिख देंगे एंगल बी ए सी इन दोनों के जगह पर, और ये बराबर देखिए एंगल ई ए सी, सामने देखिए एंगल ई ए सी प्लस सी ए डी, यानी अब ये पूरा एंगल हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एंगल डी ए ई या ई ए डी कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ई ए डी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम लोगों को दिखाना है बी सी बराबर डी ई। तो देखें एक काम करते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज हमको बी सी और डी ई दिखाना है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई, ये दोनों त्रिभुज को हम लेते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी एवं त्रिभुज ई ए डी या डी ए ई कुछ भी लिख सकते हैं, ई ए डी में, ई ए डी में। तो ध्यान से देखें आप, तो अब जो है यहाँ फिगर आप ध्यान से देखेंगे, ट्रेंगल बी ए सी को हम ले रहे हैं इस एंगल को, और फिर एंगल ई ए डी को ले रहे हैं, दोनों ट्रेंगल को ले रहे हैं, और दोनों ट्रेंगल में हमको दिखाना है कि ये दोनों ट्रेंगल जो हैं सर्वांगसम हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज की यह भुजा और इस त्रिभुज की यह भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है क्योंकि दिया हुआ है प्रश्न में, तो लिख दिया जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए ई या ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई, और यहाँ लिख देंगे किनारे पर दिया है। अब इसके बाद देखें फिर, अब हम इस ट्रेंगल, देखिए इस ट्रेंगल की भुजा ए बी और फिर इस ट्रेंगल की भुजा ए डी, ये ए बी और ए डी ये भी दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर ए डी, और ये भी प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे दिया है। और देखिए इसको हम लोग दी निकाल चुके हैं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी और एंगल ई ए डी, ये दोनों आपस में बराबर है, इसको हम निकाल चुके हैं। यहाँ लिख देंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। अब देखिए आप जरा, ये प्राप्त किया गया है, तो यहाँ लिख देंगे प्राप्त किया गया है, ये दिया नहीं था, इसको हम लोगों ने प्राप्त किया है। अब देखिए क्या हुआ, दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो अब यहाँ पर यस ए यस नियम लग जाएगा, यस ए यस सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। लिख दिया जाएगा त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज ई ए डी। अब देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना, तो उनकी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये सीपीसीटी का नियम है। तो अब देखिए
तो पहले वाले त्रिभुज की भुजा BC और दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा DE बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ ये इसके बाद लिख देंगे BC इज इक्वल टू DE। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ लिख देंगे CP CT से, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। यहाँ लास्ट में लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, यह क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।